कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मजे में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने आज पहना है मेरी शादी का जो सिल्क वाला ड्रेस है, जो मायके से दिए जाते हैं ना सूट्स, उसमें से ये एक सिल्क वाला सूट है जो कि आज मैंने पहना हुआ है। आज हम जा रहे हैं हकीका सेरेमनी पे, तो वहाँ के लिए मैंने पहना है। और विंटर्स हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में ना ये कपड़ों को कोई धक्का नहीं लगने वाला, क्योंकि अगर हम समर्स में पहनेंगे या दूसरे टाइम में पहनेंगे, जब गर्मी होती है उस वक्त थोड़ा सा इसे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। विंटर्स में इसमें बिल्कुल गर्मी नहीं होती है, बल्कि आप वार्म रहते हो, बहुत अच्छा है। तो मैंने ये सिल्क पहना हुआ है, शादी को इतने साल हो गए, माशाल्लाह बहुत अच्छे से। मैं किस तरह से सिल्क के कपड़ों को रखती हूँ ये मैं आपको कभी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैंने आज ये पहना हुआ है और इसका पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम जा रहे हैं हकीका सेरेमनी पे, और व्लॉग पूरा आप देखिएगा जरूर, आज क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया है मैंने, तो पूरे व्लॉग में आपको सब कुछ पता चलेगा। तो अच्छा जी, तो अभी हमें निकलना है। ये एक बाहर आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ इग्नोर गाड़ियों की, क्योंकि ये मेन रोड है, हर तरफ से जाने के लिए यही एक रास्ता है, तो इसीलिए ना थोड़ा सा आवाज़ें आती रहती हैं गाड़ियों वगैरह की, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो मेरा आज ये ड्रेस पहना है मैंने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब मुझे मायके से दिए गए थे कपड़े और मैं जब ससुराल पहुंची, तो वहाँ पे ना हर दिन एक नया ड्रेस पहनाया जाता था मुझे, तो सब जब मैंने ये पहना था तो सबको बहुत पसंद आया था ये ड्रेस। और ऐसा ही एक अलग कलर में है ये, मैंने ना उस कलर को देख के ये मैंने बनवाया था कि मुझे इस तरह के कपड़े में सेम वर्क चाहिए, तो मैंने वो भी आपको मैं कभी पहन के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। वो पर्पलिश है, डार्क, बहुत अच्छा है, तो उसका मैंने देखकर इसे बनवाया था। तो ये इस तरह का कलर है, ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना डबल कलर, धूप में शाइन करता है, उस तरह का है। तो यस, बहरहाल ये कहना था कि सिल्क के कपड़ों को ठंडी में पहना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना पसीना आएगा, ना बदबू होगी, कुछ नहीं। और माशाल्लाह मेरे कपड़े इतने वैसे जैसे लिए थे नए में, बिल्कुल उसी तरह से अभी भी लगते हैं मुझे। तो वो यादें मुझे आ गई थी जब मैंने पहने थे, और नया नया जब दुल्हन थी उस वक्त की कुछ यादें मुझे याद आ गई। अच्छा जी, ठंडी तो इतनी है, प्लीज़ टेक केयर, सबके गले ख़राब हो रहे हैं, खांसियाँ हो रही हैं, प्लीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी है, अपना ख्याल रखें। जब से मैंने ये पहना ना, मैं तो वो गरम गरम पहन के बैठी थी, आप देखेंगे व्लॉग में, लेकिन ठंडी है, लेकिन अब लग रहा है कि मैं वार्म हूँ, मुझे कोई गर्मी नहीं हो रही है, कुछ नहीं, तो बस थोड़ी बहुत तैयार हुई और इसके ऊपर मैं अबाया पहनूंगी। ये तो मैं अलग से रखूंगी और बस ड्रेस के ऊपर अबाया पहनूंगी इंशाल्लाह। और वहाँ लेडीज का एक सेक्शन होगा, लेडीज रूम होगी, सिर्फ जनाना खाना अलग होगा और मर्द हजरात का अलग होगा, तो हम लेडीज सेक्शन में बैठे रहेंगे, तो वहाँ पे शायद मैं अबाया निकालूं और लेडीज के साथ गपशप करूं, अपने लोग तो होते हैं तो वहाँ से। तो चलें जी, तो फिर निकलते हैं, और तैयार तो हो गई हूँ। तो सुबह यहाँ पर नाश्ते में बन गया था आलू खीमा मटर की सब्ज़ी, जिसमें मैंने सोया साग भी डाला हुआ था। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मौजूद है मेरी चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है, क्या कहूँ, ठंडे में इतनी ज़बरदस्त लगती है। इसके साथ मैंने बनाए थे सादे सेब, यानी कि प्लेन पराठे। मैंने आज सुबह में ही ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों को बना लिया था, यही मैंने ज़्यादा बना लिया था, मैंने दो दो डिशेस का नहीं रखा, क्योंकि रात में जो शाम का प्रोग्राम था हमारा वो तो तय था, तो इसीलिए हमने ये बना लिया। इसके बाद हो गई थी नमाज का वक्त, तो हम सब ने नमाज अदा कर ली, इमामत किए थे मेरी शौहर ने, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और कीमा पक रहा था तो मैं चली गई थी नमाज़ पर, आके देखा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से पक गया था। अब यहाँ पे एक साइड में बना रही हूँ मैं खिचड़ी, और खिचड़ी के साथ बन रही है कीमा आलू मटर की सब्ज़ी, तो ये बहुत मज़ेदार सा हमारा जो है वो कॉम्बिनेशन है, जो हम हमेशा से बनाते हैं, एक रिवायती टाइप की ये हमारी लंच कहें या ब्रेकफास्ट कहें आप, तो हम लोग एक्चुअली ब्रंच करके जाएँगे।
यहाँ पे खीमा मटर की सब्ज़ी तैयार है। अब इसके ऊपर ढेर सारी हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे, फिर इसे सर्व करके आराम से बैठकर खाएंगे, रिलिश करेंगे। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? ये देखिए, मैं ये कटिंग लगाई थी एक प्लांट की, तो इसमें ना ये अच्छे से आया था, और यहाँ पे ना ये पूरी जो ब्रांच है ना, इसको मैंने कट कर दिया। अभी यहाँ से ये सूख गया है, यहाँ ऊपर से, और यहाँ से ये अच्छा, और यहाँ पे ना एक निकल रहा है, इसका लीफ निकल रहा है, इसके बाजू में भी एक छोटा सा है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हुई इसमें? हुआ यूँ कि इसमें इतने सारे मिलीबग्स, ये जब ऐसे हैंग करते हैं ना, तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये कटिंग्स हैं, एक बड़ा सा प्लांट है इसका, वहाँ पे रखा हुआ है मैंने, उसकी सारी कटिंग्स लेके मैंने ये छोटे छोटे पॉट्स में लगाई थी, जैसे वो मैंने स्पाइडर प्लांट की लगाई ना वैसी। तो ये ना इसमें इतने सारे मिलीबग्स लग चुके हैं ना, इसके जो फ्लावर्स हैं वो स्वीट होते हैं, मिलीबग्स आते हैं स्वीट प्लांट्स पे, तो इतने सारे लग गए थे, तो मैंने सारी क्लीन की। तो आज हमें ना फंक्शन पे भी जाना है, शाम में निकलना है हमें फंक्शन पे, तो शाम तक तो बहुत टाइम है मेरे पास, तो मैंने दोपहर का खाना भी रेडी कर लिया। आपने देखा मेरा खाना तैयार हो चुका है, और जब मेरे पास टाइम था, मैंने आज देखा कि प्लांट्स कुछ पानी की ज़रूरत थी, और उन प्लांट्स को पानी दिया। फिर मैंने देखा इन साहब को कि ये ना इसमें मिलीबग्स काफ़ी लग गए हैं, तो यहाँ ये लाइन पूरी लगी हुई थी, तो मैंने इसे यहाँ से सूखा हुआ था ये ऊपर से, तो मैंने इसे कट कर दिया है, और इसकी अच्छी सी धुलाई करके मिलीबग्स को साफ़ किया है। मिलीबग्स को दो कपड़े या फिर दो पेपर्स की मदद से लें और इस तरह से रब करें, वो तभी जाते हैं, अदरवाइज़ ना बहुत जान खाती हैं यार, जान पे बनाती है सीरियसली। तो ये प्लांट मेरा साफ़ हो गया है, अब इसकी मिट्टी भी थोड़ी जम गई थी, तो थोड़ा सा मैंने वो कर लिया। देखें कितनी प्यारी, और ये इस तरह से नीचे आते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े खूबसूरत से लगते हैं। सो दिस इज़ इट, तो चले चलकर होते हैं जल्दी से तैयार, ये सारा फिनिश करते हैं। प्लांट्स को ना बच्चों की तरह केयर करना पड़ता है, उनकी देखभाल, उनकी परवरिश, जैसे हम बच्चों को करते हैं बिल्कुल वैसे। खुशी खुशी पहना तेरा दिया गहना, कितना कंगन जचे देख गला। तो जनाब, मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, सब तैयार हैं, बस निकलना है। तो मैंने आपसे जैसे कहा था, ये मेरा कंप्लीट सूट है, ऐसा लुक है, ये दुपट्टा है सलवार, और इसके ऊपर का जो शर्ट है वो है। तो आपने देखा कैसा लगा आपको मेरी ड्रेस, आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं, खुशी होगी मुझे सुनकर। बस यहाँ पे जो फैला हुआ था ये वो सब ट्राइपॉड फोन्स वगैरह, वो मैंने उठा के रख दिए हैं। बस चल के अब आया पहनने की तैयारी हो रही है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर रही हूँ मास्क वगैरह, और हम पहुँच गए। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, और यहाँ पे देखें खाने पे बैठे हैं, मेरे मामी हैं बीच में, और हम कज़िन्स हैं जो बैठे हैं, और ये सारी कज़िन्स हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, हम आ गए जी घर। बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, इतना मज़ा आया। मैं जनरल बता रही हूँ कि मेरे ख़्याल से हर किसी को बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी आपकी सारी फैमिली, आपकी कज़िन्स, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल जो भी हैं, आपसे मिलती हैं। इतने सारे मुद्दे होते हैं बात करने के लिए, मतलब यही नहीं कि घर की बातें करो, बाहर की भी काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं, अपने बचपन की यादें ही निकाल लेते हैं, हमने ऐसे किया था, हमने वैसे किया था, हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे। तो आई मीन, पहले जब हम सब साथ मिलकर रहते थे तो ऐसे लगता था कि हम लोग बस अभी
मतलब हर बात पे नोक झोंक, हर बात पे वो क्या कहते हैं मिस करना एक दूसरे को, हर काम में एक दूसरे को साथ में लेना, ऐसे होता था। लेकिन अब सब जब सबकी शादियां हो चुकी हैं, सब एक अलग अलग घर की हो चुकी हैं और इतने साल बीत चुके हैं, अब बच्चों में बिजी हो गए हैं, किसी के बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, किसी के बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे तो छोटे हैं, बड़े बहनों के सब बच्चे बड़े बड़े हैं, तो ऐसे लगता है ना कि मतलब बहुत कुछ है बात करने के लिए, और ऐसे मतलब मन करता है कि हम इस जगह से उठे ही नहीं, पर क्या करें। मैं तो फिर भी यहाँ पे मैं हम और हम सिर्फ 5 हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, लेकिन मेरी काफ़ी सारी कजिन्स हैं, मेरी बहन है, सबके घरों में जो है वो सास ससुर होते हैं, ससुराल देखना पड़ता है। मेरे नसीब में ना सास ससुर मेरे साथ रह पाए, ना मेरे अम्मी अब्बू, बस यही एक दुख होता है मुझे कि यार काश यहाँ पे भी बुज़ुर्ग होते। मेरे मदर इन लॉ के साथ ही हम थे, लेकिन अल्लाह को मंजूर वो था, और अम्मी का तो आप सबको पता ही है, मैंने बता दिया था। खैर लेकिन अच्छा लगा सबसे मिलके, बड़ा अच्छा लगा, अच्छा गुजरा, खाना भी अच्छा था, कुछ को अच्छा लगा खाना, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, मुझे तो ठीक ठाक लगा, अच्छा ही लगा और मज़ा आया। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, टेक लोड्स ऑफ केयर, दुआ में याद रखें, मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ अगली बार, तब तक टेक लोड्स इन लोड्स ऑफ केयर, अल्लाह हाफिज़।